मेरी फील आ गई। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। व्हाट आर यू वॉचिंग? क्या देख रहे हैं? बोलो लाइक करो। पापा जी का मोबाइल यहाँ पे। मीट परीक्षा को मिलिए आप। ये देखिए परीक्षा जी हैं यहाँ पे, ये इधर भैया जी हैं, ये गंदे वाले, ये देख रहे हैं मोबाइल और पीछा इधर खेल रही है। ये देखो उधर वो दूसरे भाई हैं, आइए हैं पीछा जी, कैसी हैं आप? आई पीछा, आज पीछा का मुंडन होगा। अलग ही मस्ती में रहता है, देखो इसके हाल, दुनिया एक तरफ, मोबाइल और ये एक तरफ। ओए एडमिशन होने जा रहा है इसका बहुत जल्दी, अब स्कूल जाओगे? स्कूल जाओगे प्रियू, स्कूल जाओगे? हैं इतना ही रेस्पॉन्ड करता है, बस ये इतना ही रेस्पॉन्स मिलेगा जिसका एडमिशन होने जा रहा है बहुत जल्दी, तब समझेगा ये लड़का, तब बोलना शुरू करेगा। भाई लोगों, अभी मैं चलता हूँ आप लोगों को लेके एक ऐसी जगह जहाँ से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं बहुत पुरानी। मैं कॉलेज लाइफ में था, 2008 में मैं आया हुआ, 2008 से 2012 मैंने यहाँ पे किया है इंजीनियरिंग बीटेक। तो मैंने एक बाइक ली थी 2012 में, पल्सर 180, उसे सर्विस करवाता था मैं। आज वहीं जा रहे हैं उसी गाड़ी की सर्विस करवाने फिर से, ओमकार के पास है वो गाड़ी फिलहाल। तो ओमकार आया, क्या लग रही है मौसम हो रहा है एकदम चिल चिलाती भी धूप। अरे मेरी मैया देख रहे हो भाई साहब, कितनी आया तूफान यहाँ पे, वही स्टॉर्म। तो आंधी तूफान में ना देखो कैसी, ये बिल्कुल रेत सी है छोटी वाली ना, वो लग गई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है, ओहो मौज तो तुम ही ले रहे हो, क्या मौज में है। बैठ रहे हो अरे मत जाओ। यहाँ देखो ये आजकल की युवा जनरेशन का ये हाल है, ये बिष्णु का कमाल है, दिख रहे हो ये हुक्का, अभी से पीते हैं ये हुक्का। बताओ है कोई तरीका? ये है तम्बाकू, ये देखो बिगड़ गए हैं यार बालक, हमने तो कभी ज़िंदगी में हुक्का ना पिए, हुक्का पीते हैं अभी से ही। कुछ कह रही हैं जी, देख ये कपड़े गिर जाते हैं, अब ये काम भी दे दिया है ससुराल में मुझे कि ये कपड़े जो नीचे गिरेंगे वो तुम फेंकोगे। तो राज भाई और आने वाले पूजा के हैंडपंप ध्यान देना, यहाँ पे ये काम भी करना होता है। अरे पहले यही पकड़ ले भाई साहब, अरे खेले कूदे तो बहुत हैं, थोड़ी सी हिम्मत विम्मत सी हार रहे हैं जरा जिंदगी में ना, तो काम तो सारे आग रहे हैं हमसे, यहाँ से कहाँ से लूंगा, इन पेड़ों में कैसे फेंकूंगा, है कोई लॉजिक ही है तो इधर को हाथ करने क्या फायदा यार। कुछ तो तुम, यू आर ऑल्सो एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, अगर जिंदगी में तुम्हें बेरोजगार होना है और अपना करियर बर्बाद करना है तो इंजीनियरिंग कर लेना, अदरवाइज मजाक था, ऐसा कुछ नहीं है, इंजीनियर्स बहुत आगे भी हैं। इट ऑल डिपेंड्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड व्हाट यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ। इफ यू आर कंफ्यूजिंग पर्सन देन वेलकम टू माय वर्ल्ड। एक ना ब्लैक कार लेने का नुकसान बहुत है भाई, ब्लैक कलर सबको पता ही होगा कि गर्मी में ना पिछवाड़ा आपका ऐसा कर देती है, कैसा पराठे बनाने हैं ना जैसे तुम्हें, तो खाली आटा डाल दो तो पराठा बन जाएगा। ये हाल तो आ गया, तो मुझे बुला गया, निकल गया कहीं और, थोड़ी बहुत देर 10-15 मिनट लगेंगे, मैं आ गया हूँ यहाँ पे। ये है साइट 4 में है, ग्रेटर नोएडा में साइट 4 में बजाज का जो है टू व्हीलर का जो बक शॉप है, बजाज टू व्हीलर में ही है, 4 में कोई तो इधर है ये साइट 4 में, रेडिसन है ना, रेडिसन ब्लू, तो रेडिसन ब्लू के पीछे है, जस्ट पीछे जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसी में है ये, नॉट इंडस्ट्रियल कमर्शियल टाइप है ये, छोटा मोटा इंडस्ट्री भी है। तो यहाँ पर हूँ मैं तो आ गया हूँ फिलहाल, अभी इसका वेट कर रहा हूँ। बजाज की वर्क शॉप, बॉस सर्विस, हाँ
पहले तो यही था अबे यार, ये तो बॉस का निकला। मैं भी तो क्यों, क्या पंगा है। 93 94 अच्छा उधर है ना। ओ भाई ये तो ये है, ये मल्टी ब्रांड कार सर्विस सेंटर हो गया ये। स्काईलाइन बजाज सेक्टर 5 नोएडा। ओ भाई तो न्यू अपडेट ये है कि बजाज का हट गया यहाँ से। मैं तो बड़े कॉन्फिडेंस में आ गया, तो दुनिया बढ़ गई बदल गई इधर से उधर हो गई, पर हम वहीं के वहीं रह गए भैया। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। मैं गया बॉश सर्विस सेंटर, मैं गया ये क्या है भाई। गार्ड भाई आए बोले ये वाकई में कोई भटकता हुआ इंसान है, और 2 साल हो गए तो नई जगह हो गया है शिफ्ट, नई जगह लेके चलते हैं। तो इसकी हालत तो बड़ी छोटी हो गई है, मुझे लगा बिजनेस डाउन हो गया दिखे बजाज का। स्काईलाइन बजाज के नाम से तू सा इधर हीरो का, हीरो का तो काफ़ी बड़ा लग रहा है इससे। यह जरा सा यह इधर ना रामलीला मैदान बोले कह रहे हैं क्या इसे, ये साइड 4 में बस उसके जस्ट इधर है। ये है इधर की साइड में बैनिस, वो बैनिस है, बैनिस से निकल के ये आ गया। अरे क्या हाल है इसके। ये है जी मेरी यादें। तुम्हारी यादों को मैंने खरीद लिया। खरीदने तो ना बेकदरी अगर कोई करनी है ना तो इनसे सीखो भाई। हमारे नीचे जवाब ना कि यूं ही हाल होंगे। हाँ तो तुम्हारे भी यूं ही हाल होंगे ऐसे, फिर ध्यान रखियो अभी सीखे ना हो तुम अभी लर्निंग। क्या हंसते हंसते देखो। खैर ठीक है कोई ना, पर पुरानी भी हो गई 2012 से। 11 साल हो गए, 11 नहीं अभी 10 साल हुए इसे, दिसंबर में ली थी मैंने 2012 में। ये है मेरी महबूबा, इसने क्या हाल कर रखे हैं यहाँ पे। ये वाले ना लौंडे हारपन देखो, ये सबसे पहले मिलेंगे साले। ये काम हमने तो ना करवाए, हम भी जवान है उस टाइम पे 20-22 साल के हैं। ऐसे आजकल की जनरेशन इतनी चूतिया हो रही है कि बस क्या ही क्यों। ये देखो 25,000 रुपए बताए भाई ने। 25,000 बंद ना कर ले मैं। पूरी फील आ गई। हमने यहाँ पे खड़ी करी है बाइक, हम पे ना गाड़ी, चला जा ऊपर चल। भाई लोगों मैं आ गया हूँ छोड़ के, अभी बाइक तो दे दी गई क्योंकि मोटा खर्चा बता रहे थे भैया 21,000 समथिंग का। अब इसके ऊपर छोड़ दिया है मैंने ओमकार के ऊपर, मैंने कहा डिसाइड कर ले क्या करना है क्योंकि कुछ रीजनेबल लग नहीं रहा। मैं तो वैसे भी कंफ्यूज प्राणी हूँ तो मुझे कुछ खास समझ में आ नहीं रहा, तो मैंने कहा देख ले। तो वो फ़िलहाल अभी खड़ी करके बाइक को यहीं पे, वो निकल गया, मैं ड्रॉप करके आ गया हूँ उसे, वो निकल जाएगा बस से परी चौक से, और फिर देखेंगे जो भी डिसाइड होगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, लव यू ऑल, बाय बाय।